फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ भी चीज़ कहने से पहले हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं भी कभी एक टीचर थी और मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था, बच्चों को गाइड करने, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में। और मुझे बहुत प्राउड फील होता था जब मैं पढ़ाती थी। अभी भी प्राउड फील होता है, मुझे पता है कि मैं आज नहीं तो कल पढ़ाऊंगी। सिर्फ अपने बच्चों के चलते मैं अभी रुकी हूँ, नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। और अदनान, जब तक मैं पढ़ाई हूँ, जब तक अदनान मतलब पेट में था, मतलब 9 महीने का जब कंप्लीट कर गया है, उसके बाद मैंने पढ़ाई मतलब टीचिंग छोड़ दिया है पढ़ाना। तो उसके बाद फिर 3 साल तो बाबू को, ये वाले अरनान को बड़ा करने में लग गया छोटे से, और उसके बाद ये अफान आ गए। तो टोटली कहने का मतलब कि जब से मेरी मैरिज हुई, मैरिज के बाद 1 साल तक मैं पढ़ाई, उसके बाद रुक गई हूँ, मैंने नहीं पढ़ाया है। टीचर्स क्या होता है, गाइडलाइनर होता है, मतलब टीचर एक सड़क के समान है, ठीक है ना। सड़क तो एक जगह व्यवस्थित रहती है, लेकिन वो रास्ता दिखाती है। तो टीचर का जो अपने स्टूडेंट के लिए होता है, वो मैं बयान नहीं कर सकती। मैं भी एक टीचर थी, मैं स्टूडेंट भी थी, मैंने दोनों लाइफ जिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही बन गई। मैं भी जब स्टूडेंट थी तो मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत गाइडलाइन करते थे, और मुझे नहीं सभी स्टूडेंट को करते थे, लेकिन मैं अपनी बात रख रही हूँ यहाँ पे। मैं भी जब स्टूडेंट थी तो मुझे पता है कि टीचर क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन क्या होती है हमारे ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, मैं टीचर क्यों बनी, मेरा मकसद क्या था टीचर बनने का, मतलब मैंने टीचर वाली लाइन क्यों पकड़ी। जब मैं देखती थी कोई मैडम निकल रही हैं, सर निकल रहे हैं, तो बच्चे बोलते थे गुड मॉर्निंग, मैम नमस्ते करते थे हाथ जोड़ के, मुझे फील होता था कि कितना रिस्पेक्ट होता है टीचर्स बनने में, मतलब एक टीचर को कितना रिस्पेक्ट मिलता है, कितनी इज्जत मिलती है। तो वो सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और टीचर बन के मैं किसी को गाइडलाइन दे सकती हूँ, इसलिए मैंने ये लाइन चूज की थी। फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न ये है टीचिंग लाइन पकड़ने का, कि मुझे खुद के दम पे कुछ करना था, मतलब खुद कमाना और खुद पढ़ना, अपने पैसे से पढ़ने का चाह था। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे यहाँ इतना इनकम नहीं थी उस टाइम पे कि मैं अच्छा एजुकेशन मतलब पेरेंट्स के दम पे लूँ, या मतलब आगे की पढ़ाई मैं कर पाऊँ। वो मेरे को पढ़ा रहे थे एडजस्ट करके, लेकिन मुझे उनका देख के ये फील होता था कि वो शायद कहीं ना कहीं परेशान होते हैं मेरी वजह से, तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। 12th के पहले तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जैसे ही मैंने 12th पास किया फ्रेंड्स, मैं टीचिंग करना शुरू कर दी। और 12th के बाद जितनी पढ़ाई की है मैंने, जो भी किया है, प्राइवेट किया, गवर्नमेंट किया है, अपने दम पे किया है। तो यही कहना चाह रही हूँ कि मैंने 12th के बाद ही टीचिंग शुरू कर दिया था, और टीचिंग करने के पीछे मेरा मकसद क्या था, तो मुझे आज वो बातें याद आ गई। आज जब मैंने टीचर्स डे का कुछ वीडियो देखा तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने सोचा अगर आज वीडियो नहीं डाली तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पेशली मुझे ये लगता है कि ये हर टीचर के लिए बहुत स्पेशल डे होता है, और वेरी इम्पोर्टेंट डे मेरे हिसाब से। तो एक टीचर की जो रिस्पेक्ट होती है, उसके लिए एक वीडियो तो करनी चाहिए। और मुझे अपना दिल की याद आ गया कि मैंने कैसे क्या किया था। फ्रेंड्स, मुझे जब मैं टीचर थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी भी मुझे प्रपोजल मिलता है पढ़ाने के लिए, मगर बच्चों के चलते मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। जैसे ही मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो मैं शुरू कर दूँगी पढ़ाना। तो आज का ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग है, सिर्फ कुछ अपनी बातें, और हैप्पी टीचर्स डे विशेस। ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाया है मॉर्निंग से लेके नाइट तक, ऐसा कोई मतलब मैंने अभी बस मेरे मन में आया कि एक टीचर्स डे पर वीडियो बननी चाहिए, तो मैंने बस अपलोड कर दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो था, अब मिलूंगी अपने वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।